never saw it coming. What's up guys, I hope you're all absolutely good and fine. So today I'm gonna show you zoom in and out through text effect in Filmora 9. So without getting further delay, let's get started the video. So first of all, you should import the video which you can apply the zoom effect. So मैं मेरा डाउनलोड किया हुआ एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ. मान लीजिए कि मैं इस वीडियो के ऊपर ही जूम इन टेक्स्ट इफेक्ट करना चाहता हूँ. सो मुझे पहले क्या करना होगा, गो टू टाइल्स एंड सिलेक्ट एनी टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर विश. मैं एक अच्छे वाला टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, टाइल 41 में सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करके टाइम लाइन में डालता हूँ. इसके बाद आपको क्या करना होगा, टाइल में डबल क्लिक करिए, एडवांस में जाइए. एडवांस में जा के आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, मैं मेरे अकॉर्डिंग ट्रैवल टाइप करता हूँ. ऐसा एक फॉन्ट आप सर्च करिए जो बोल्ड हो और अच्छा हो. मैं मेरे हिसाब से एक बोल्ड फॉन्ट सर्च करता हूँ जो दिखने में अच्छा लगे. मैं इम्पैक्ट डालता हूँ और इसका साइज 250 कर लेता हूँ और एनिमेशन नो टेक्स्ट एनिमेशन देता हूँ. आप अपनी तरह से कुछ भी कर सकते हो और इधर कस्टमाइज भी कर सकते हो. ओके में क्लिक करिए, मीडिया में जाइए, सैम्पल कलर्स में जाइए. इधर देख रहे हैं बहुत सारे सॉलिड कलर्स है, तो यू शुड चूज वन ऑफ दिस. आई प्रेफर फॉर ब्लैक. उसके बाद क्या है, ये जो आप वीडियो टाइमलाइन में देख रहे हैं राइट साइड में, इसका एक स्नैपशॉट उठाइए. मैं स्नैपशॉट उठा लिया. उसके बाद टाइमलाइन से पूरा वीडियो और ब्लैक स्किन को हटा दीजिए. जो स्नैपशॉट मैंने उठाया वो स्नैपशॉट को टाइमलाइन में डालिए. स्नैपशॉट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, क्रॉप एंड जूम में जाइए. इधर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है क्रॉप, एक है पैन एंड जूम. गो टू पैन एंड जूम. पैन एंड जूम के जाने के बाद आपको दोनों टाइप का सिलेक्शन मिलेगा, एक है आपका पूरा सिलेक्शन, एक है आपका अंदर सिलेक्शन. ये सिलेक्शन आप माउस क्लिक कर भी कर सकते हैं या तो इधर से भी कर सकते हो. दिस इज फॉर फुल सिलेक्शन, दिस इज फॉर हाफ सिलेक्शन. तो आई एम गोइंग फॉर हाफ सिलेक्शन. एंड इसको आपको क्या करना है, पूरा जूम आउट करके एकदम मिनिमाइज करना है. और मिनिमाइजेशन जूम को आपको ख्याल रखना होगा कि ताकि ये मिडिल में रहे. मैं मिडिल में रखने का कोशिश करता हूँ और ओके में टाइप करता हूँ. अब हुआ प्ले. आप प्ले करके देखिए कि जूम हो रहा है, पर ये जूम तो हो रहा है पर थोड़ा बहुत अच्छी तरह से जूम नहीं हो रहा है. तो मैं क्या करूँगा, इसका प्ले करके लास्ट में जाऊँगा और इसका एक स्नैपशॉट उठाऊँगा. सो दिस इज माय सेकंड स्नैपशॉट, दैट इज स्नैपशॉट वन. स्नैपशॉट वन को स्नैपशॉट जो पहले खींचे थे उसके साथ बाद में टाइमलाइन में डाल दीजिए. उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, क्रॉप एंड जूम पे जाइए, पैन एंड जूम पे क्लिक कीजिए. बाहर वाले ब्रश को क्लिक कीजिए और थोड़ा सा घटाइए दोनों तरफ से. अब नेक्स्ट आपको अंदर वाले ब्रश में क्लिक कीजिए और आपका ध्यान होगा कि कम से कम ये मिडिल में ही रहे पर व्हाइट बॉक्स के अंदर ही रहे. यस, दिस इज परफेक्टली मैच्ड फॉर माय टाइमलाइन. अब आपने हिसाब से क्लिक कर सकते हो और जूम करके एक बार देख सकते हो. सो दिस इज गोइंग एग्जैक्टली आई हैव वांटेड. सो देन जस्ट प्रेस ओके. एक बार प्ले करके देख लीजिए कि स्पीड मेंटेन हो रहा है या नहीं फर्स्ट से सेकंड तक. सो दिस स्पीड इज स्लो. सो आई हैव टू शॉर्टन द ड्यूरेशन. राइट क्लिक कीजिए सेकंड स्नैपशॉट के ऊपर, ड्यूरेशन में क्लिक कीजिए. मैं इसका ड्यूरेशन करता हूँ 0.005 सेकंड. मैं देखूंगा कि ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है क्या नहीं. थोड़ा मैं बड़ा करूंगा. यस, दिस इज एग्जैक्टली मैच. अब आप जिस वीडियो के ऊपर
ये इफेक्ट डालना चाहते हो वो वीडियो को ये टाइमलाइन के नीचे लेयर में डाल दीजिए मैक्सिमम एपीएस में। मैं थोड़ा वीडियो को छोटा करता हूं ताकि अच्छा लगे। अब ऊपर जो टाइल आपने या तो स्नैपशॉट आपने खींचे उसमें डबल क्लिक कीजिए, कंपोस्टिंग में जाइए, ब्लेंडिंग मोड जैसे कि पहले वीडियो में भी दिखाया था ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड स्नैपशॉट को भी सेम कीजिए। प्ले करने के बाद देखिए दिस गोना शो यू द जूम। अब आपको अगर रिवर्स जूम करना है तो पहले वीडियो को हटाइए और जो टाइमलाइन में आपका है ये जो ट्रैवल और सेकंड स्नैपशॉट उसको एक्सपोर्ट कीजिए। मैं बोलूंगा कि हाईएस्ट एफपीएस में एक्सपोर्ट करने के लिए बिकॉज क्वालिटी उसका बेस्ट मिलता है तो मैं हाईएस्ट एक्सपोर्ट करूंगा। ये देखिए मेरा एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया है, क्लोज करके एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करूंगा। दिस इज माय एक्सपोर्टेड वीडियो। यस, अब आप रिवर्स वीडियो डालने के लिए वही सेम वीडियो के ऊपर जिसके वीडियो को आप करना चाहते हैं वही वीडियो डालिए। आप अपने हिसाब के वीडियो को सेटिंग कीजिए और मान लीजिए कि ये जूम इन वीडियो होने के बाद मैं 5 सेकेंड बाद या तो 10 सेकेंड बाद आपके हिसाब से डालिए मैं जूम आउट वीडियो डालना चाहता हूँ, तो आप जो एक्सपोर्ट किए थे वीडियो उसको इसमें डाल दीजिए। टाइम पे जाइए, स्पीड में, रिवर्स में क्लिक कीजिए। अब रिवर्स में क्लिक करने के बाद ये रिवर्स वीडियो को ऊपर डबल क्लिक कीजिए, कंपोस्टिंग में जाइए और ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई कीजिए। आप पूरा वीडियो को एक बार प्ले कीजिए। यस, दैट एग्जैक्टली आई हैव वांटेड, जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट थ्रू टेक्स्ट इन फिल्मोरा 9। आप जो रिवर्स इफेक्ट कर रहे हो वो आप स्नैपशॉट में भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्नैपशॉट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, क्रॉप एंड जूम कीजिए, गो टू पैन एंड जूम एंड क्लिक ऑन स्वाइप द स्टार्ट एंड एंड द पॉइंट्स, क्लिक कीजिए, आप प्ले कीजिए। रिवर्स में आ रहा है तो आप दोनों में से कोई भी टाइमलाइन में यूज कर सकते हो तो जूम आउट करने के लिए। तो ये जूम इन और जूम आउट प्रोसेस आप कोई भी प्रोजेक्ट का शुरू होने से पहले या तो इंट्रो शुरू करने से पहले यूज कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में। एक्सपोर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको वीडियो शुरू होने से पहले बहुत अच्छा फील देगा। सो प्रीटी मच फॉर नाउ, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल ओनली सिनेमैटिक, सी समथिंग सिनेमैटिक, सी समथिंग न्यू। बाय बाय, टेक केयर।